हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। आज हम बात करेंगे मास्टर नंबर 33 के बारे में। दोस्तों, 33 में जैसा कि आप जानते ही हैं, 3 का अंक 2 बार आता है, जो कि बृहस्पति का अंक है। दोनों का योग करने पर अंक 6 आता है, जो कि शुक्र का अंक है। दूसरे मास्टर नंबर्स की तरह 33 के अंक में भी आध्यात्मिक शक्ति होती है और ये आसानी से हायर सोर्स ऑफ एनर्जी को आकर्षित कर सकते हैं। 33 का अंक मास्टर लीडर और मास्टर टीचर कहलाता है। इन लोगों में बहुत सी साइकिक शक्तियां पाई जाती हैं, जिसके जरिए ये दूसरे लोगों को अपनी एनर्जी से ही हील कर सकते हैं, सामने वाले इंसान की सेहत में तुरंत सुधार ला सकते हैं या किसी के दिमाग को कुछ ही देर में पूरी तरह से नकारात्मकता से खाली करके सकारात्मकता से भर सकते हैं। इनके बोले हुए हर शब्द में एक अजीब सी कशिश होती है, जो सुनने वाले पर जादू सा असर करती है। ये लोग दूसरों को भी उनकी आध्यात्मिक वृद्धि करने का रास्ता और ज्ञान देते हैं। दोस्तों, बृहस्पति का अंक 3 ज्ञान, बुद्धि, विस्तार, सामाजिक क्रियाकलापों को दर्शाता है। बृहस्पति व्यक्ति की वाणी कुशल बनाता है। इनकी सोच और बुद्धि अनूठी होती है। इनमें आत्म अभिव्यक्ति बहुत अधिक होती है। ये अपनी भावनाओं को सरलता से कन्वे कर पाते हैं। ये अपनी हर भावना को समय और मौके के अनुसार सही तरह से व्यक्त करते हैं और अगर इनको लगता है कि किसी बात को कहने का सही समय नहीं है तो उसे छिपा भी सकते हैं। दोस्तों, 6 के अंक में वैभव, परफेक्शन, ब्यूटी और करिश्मा है। इन लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। यह अंक कंपैरिजन, दया को दर्शाता है, अतः ये किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते, हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा सामने वाले के दुख से दुखी हो जाते हैं और उसके दुख को दूर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। सामने वाले के मनोभावों को उनके कहे बिना ही जानने वाले होते हैं और उनकी जरूरत को समझकर बिना मांगे ही उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया के दुख को खत्म करने का कोई न कोई हल निकालते रहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को खुश देखना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए ये अपना 100% देते हैं। दोस्तों, 6 का अंक प्रेम, रोमांस, लग्जरी और जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनके बारे में बताता है। चाहे इन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति वाले परिवार में इनका जन्म हुआ हो, तब भी ये लग्जरी को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं और ऐसा देखा जाता है कि ये ऐसे मित्रों, रिश्तेदारों या लोगों से घिरे रहते हैं जो इन्हें लग्जरी की चीजें उपलब्ध कराते हैं। शुक्र के प्रभाव से इन्हें पैसों की कभी कमी नहीं होती। ये लोग लग्जरियस जीवन जीना भी पसंद करते हैं। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। ये वो लीडर होते हैं जो उस रास्ते के बारे में ज्ञान देते हैं कि कैसे आप उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से इनमें हर वह चीज है जो एक कामयाब लीडर और कामयाब टीचर में होती है। ये लोग समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं, अतः ये समाज से जुड़ते हैं और लोगों की नजरों में रहते हैं। बुरा करने वालों को भी माफ कर देना इनके स्वभाव में होता है। ये लोग कहीं भी रहते हैं जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छे गुरु होते हैं। इस जीवन में इनका काम है ज्ञान बांटना, सिखाना। इस कार्य के लिए व्यक्ति को पैसा और कामयाबी तो मिलेगी ही, लेकिन यह कार्य आपको निस्वार्थ भावना से करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यहाँ 6 अंक का प्रभाव आ जाएगा, जो वैभव, लिमिटेशंस और जिम्मेदारियां देगा। ऐसे में आपके जीवन में जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होंगी। ऐसा लगेगा कि जीवन एक बोझ है, जीवन में कामयाबी भी नहीं मिल पाएगी। अंक 6 आर्टिस्टिक स्किल और ग्लैमर लाता है, अतः 33 के अंक के लोग मीडिया, आर्ट इंडस्ट्री में होते हैं। बहुत कम उम्र में ही इनमें ज्ञान आ जाता है। आर्टिस्टिक टैलेंट ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। काउंसलिंग, हीलिंग, सामाजिक कार्यों में सहायता करना, इन सब में ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। पब्लिक से, मासेस से इंटरेक्ट करने में ये 3 और 6 का अंक इन्हें सफल बनाता है। इनके लिए ऐसे काम जो दूसरों की मदद करने वाले हों सबसे सही साबित होते हैं।
इनके पास नेम, फेम, दौलत बड़ी आसानी से चलकर आ जाते हैं। ये कार्य या तो ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी से जुड़ा हो सकता है जो सभी को इंस्पायर या मोटिवेट कर जाता है, या कोई ऐसा काम इस दुनिया के लिए ये कर जाते हैं जो एक अकेला वही काम इन्हें जीवन में जमीन से आसमान पर पहुंचने का काम कराता है। इसके अलावा इनके द्वारा बनाया गया कोई यूनिक सिद्धांत हो सकता है जो इन्होंने खोजा हो, या प्रकृति के किसी बहुत ही भौतिक काम को इन्होंने डिकोड किया हो। इस तरह कमाल की बुद्धि, चेतना, ज्ञान और समझ रखने के कारण बहुत ही जल्दी फेमस और लग्जरियस लाइफ जीने वाले बन ही जाते हैं। दोस्तों, अभिभावक के रूप में भी ये लोग बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत केयर करते हैं। सामने वाले को क्या चाहिए उसके अनुसार ढलने की समझ इनमें होती है, उतनी किसी और में नहीं होती। परिवार और करियर दोनों में ये अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि ये लोगों को महत्व देते हैं, कारण लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब लोग इनका साथ देते हैं तो ये बहुत ऊंचा उठते हैं। इनकी सेहत सामान्यतः सही ही रहती है, परंतु अंक 6 के इमोशंस के कारण इन लोगों को नर्वस सिस्टम के या पानी से संबंधित बीमारियों से सावधान रहने की जरूरत है। 3 का अंक इनको स्वास्थ्य पर फोकस नहीं करने देता, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने पर ज्यादा ध्यान देता है। ये लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर एक्सरसाइज करते नहीं हैं। इसलिए इनकी बॉडी टोन्ड नहीं होती और इनको जो भी बीमारी होती है वह खराब दिनचर्या के कारण होती है। अतः अपना रूटीन बनाए रखें, नियमित व्यायाम करें और खान पान पर ध्यान दें। दोस्तों, इनकी लव लाइफ अच्छी ही रहती है। इन्हें प्यार करना और जताना दोनों आता है। परिवार में माहौल बनाकर रखते हैं। जब ये दूसरों को प्यार देते हैं तो उनसे प्यार की आशा भी करते हैं, जिससे कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है और तब थोड़ी सी समस्याएं भी सामने आती हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो इन चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। मास्टर नंबर सामान्यतः 32 वर्ष की आयु के बाद मैच्योर होते हैं, यानी कि थोड़ा देर से मैच्योर होते हैं। लेकिन यहाँ अंक 6 के प्रभाव से इनकी लव की फीलिंग जो है वो कम उम्र से इन लोगों में आ जाती है। इसलिए कभी कभी ये लोग बैड डिजायर के कारण गलत संगति की ओर चले जाते हैं और इनकी रिलेशनशिप बहुत अर्ली स्टेज में शुरू हो जाती है और एक से ज्यादा रिलेशनशिप रहती है, जिसके कारण समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर समय गुजरने के साथ ये लोग समझने लगते हैं और इनकी फिर से लव लाइफ जो है वो ठीक चलती है। कभी कभी इनका मदद करने का स्वभाव अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तब ये लोगों से कटने लगते हैं और ये फिर बातें इनको दूसरी तरफ ले जाती हैं। अतः इन लोगों को दोनों बातों में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मास्टर नंबर 30 में। दोस्तों, यहाँ हमारी नेम न्यूमरोलॉजी की सीरीज जो है वो खत्म होती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आने वाले वीडियोस भी आपको बहुत सी जानकारी देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।